यूपी में लगातार दो दिन आसमान से बरसा पानी तो थम गया, लेकिन उसके बाद उसी पानी ने लोगों की ज़िंदगी को थाम कर रख दिया है। ये तस्वीरें हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पड़ोसी जिले बाराबंकी की। कई दशकों बाद बाराबंकी ने ऐसी भयंकर बारिश देखी है। जिधर नज़र घुमाइए उधर पानी का सैलाब नजर आता है। आंकड़ों के मुताबिक 330 मिलीमीटर रिकॉर्ड बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए। लगातार तीन दिनों से स्कूल बंद हैं। शहर के रिहायशी इलाके में पानी भरा है। लोग घर से बाहर निकलने को तरस रहे हैं, छतों पर चढ़कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। बाराबंकी के हालातों को देख प्रशासन जागा और आनंद फानंद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बाराबंकी पुलिस, SDRF की टीम और फायर विभाग की टीम मिलकर फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, जवान सब इस पानी के सैलाब से त्रस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे मुश्किल समय में रेस्क्यू टीम लोगों के लिए देवदूत बन गई। सामने आई तस्वीरों में SDRF टीम के दो जवान महिला को कंधे के सहारे रेस्क्यू कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में एक बुजुर्ग को रेस्क्यू टीम के जवान गोद में उठाकर पानी के बीच से ले जाते दिख रहे हैं। बुजुर्ग डरा हुआ है और खुद को रोने से नहीं रोक पा रहा है। एक और तस्वीर में रेस्क्यू टीम का जवान नन्ही सी जान को गोद में लेकर सुरक्षित जगह ले जा रहा है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि बाराबंकी में फिलहाल हालात किस कदर ख़राब हैं। कई इलाकों में लोग अभी भी फंसे हैं जो मदद की आस में इंतज़ार कर रहे हैं। शहर में हुई तबाही अपने साथ कई सवाल भी खड़े कर रही है। सबसे बड़ा प्रश्न जमुरिया नाले को लेकर उठ रहा है। नाले का लगातार सकरा होना और इसके किनारे पर हुए अवैध निर्माण ने हालात बिगाड़ने में पूरा योगदान दिया। यही वजह है कि एक साथ ज्यादा पानी आया तो लोगों की घर गृहस्थी तबाह हो गई। जिला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन की ओर से इन अवैध कब्जों को हटवाने के लिए नोटिस तो कई बार जारी कर चुका है, लेकिन यहाँ कार्रवाई सिर्फ कागजों पर ही सीमित रही। वहीं हालातों को लेकर सांसद उपेंद्र सिंह रावत का कहना है कि फंसे हुए लोगों की पूरी तरीके से मदद की जा रही है। इतनी भारी मात्रा में पानी बाराबंकी के इतिहास में पहली बार आया और हमने तक इतनी बार नहीं देखी। इसके पहले 6-7 साल पहले पानी आया था, लेकिन इतना नहीं आया था। तो बहुत भारी मात्रा में पानी आ गया है। कई जिले जो है पानी की चपेट में है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हमारा बाराबंकी जिला। मुसीबत है लोगों के सामने और उस मुसीबत से निपटने के लिए प्रशासन, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, माननीय विधायक और जो हमारे माननीय मंत्री, ये सब लोग प्रयासरत हैं। जहां पर लोग अभी रुके हुए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, वहां हम लोग उनके लिए खाने के लिए लंच देकर भोजन और पानी और छोटे बच्चों के लिए बिस्किट वहाँ उन्हीं के घर में उपलब्ध करा रहे हैं। जो लोग बाहर निकलने के लिए तैयार हैं, इतने सारे लोगों को कल शाम तक लगभग निकाल लिया गया है। अगर कोई अभी भी शेष आना चाहता है तो उनको अभी भी निकालने का काम किया जा रहा है। गौरतलब है कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात सामान्य होने में अभी काफी समय लगने का अनुमान। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।